चलो शुरू करें अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल आखिर में है क्या, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये है क्या क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके पहले क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा जो है शेप्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये ऐसे अगर ऐसे कोई शेप ऐसे कोई ड्रॉ कर दिए तो इसे क्या कहते हैं, कर्व। इसे क्या कहते हैं, हम कर्व कहते हैं, इसे कहेंगे कर्व। अगर हम इसे क्या कह दिए तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब हम इसे सिंपल कर्व भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिंपल कर्व, ठीक है। ये कैसा कर्व है, ठीक है, सिंपल कर्व है, ठीक। पर अगर हम एक ऐसे कर्व अगर एक ऐसा ड्रॉ कर दें ये इस तरीके से, जो कि एक दूसरे एक क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो मतलब ये वाला भी तो कर्व है, लेकिन एक ये कर्व कैसा है, नॉट सिंपल। ये कैसा है, नॉट सिंपल, ठीक है। ये वाला कर्व आपका क्या है, नॉट सिंपल, ठीक है। और अगर हम ऐसे एक जो है लाइन खींच दी तो ये क्या है, नॉट अ कर्व। ये चीज़ क्या है, कर्व नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, कर्व है ही नहीं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लोग बातें करें थोड़ा सा और अलग अलग चीज़ों की। तो अगला है हमारा जो है शेप्स की बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कोई शेप ऐसे कोई ड्रॉ कर दें, ये देखो ये क्या है, क्लोज्ड शेप। ये कैसा शेप है, क्लोज्ड शेप है, बट नॉट अ कर्व, ठीक है, नॉट अ कर्व बट क्लोज्ड, ठीक है। ये कर्व तो नहीं है पर क्या है, ये क्लोज्ड है बट क्लोज्ड। ये कैसा फिगर है आपका, क्लोज्ड फिगर है। पर अगर हम ऐसे अगर बना दें, ठीक है, ये चलो ये क्या है, ये कर्व है एंड क्लोज्ड है। कैसा है, कर्व है एंड क्लोज्ड है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये फिगर कैसा है आपका, कर्व है और क्लोज भी, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा कर्व हो गया, क्लोज हो गया, अगले हम शेप की बात करें तो अगला आपका क्या होगा, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या नाम है, अगर कोई एक ऐसा शेप है, ठीक है, जिसके सारे के सारे एंगल क्या हैं, सारे के सारे एंगल क्या हैं, लेस देन 180, क्या हैं, लेस देन, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180, ठीक है, 180 एंगल्स, ऑल एंगल्स लेस देन 180, 180, ठीक है। तो ऐसा फिगर क्या कहलाता है, कॉनकेव, क्या कहलाता है, कॉनकेव, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, कॉनकेव, ठीक है। या फिर जो है भाई इसमें चार साइड है तो क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल भी कहलाएगा। तो क्या हो गया, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, अगर कोई ऐसा शेप है जिसमें एक एंगल क्या हो जाए, 180 से ज़्यादा हो जाए, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। एक एंगल क्या है, ये देखो ये 180 से ज़्यादा है, वन एंगल मोर देन 180। तो ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं, ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, फिर जो भी ऐसे शेप को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, क्या कहेंगे, सॉरी इसे कहेंगे कॉनकेव। इसके पहले वाले को क्या कहते हैं, कॉन, ये होगा कॉनकेव, वो वाला होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। ये वाला है कॉनकेव और वो वाला क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। यानी अगर जो ऐसा रहेगा ये वाला जिसमें सारे एंगल क्या हैं, क्या हैं, लेस देन 180, ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 80, तो ये वाला आपका क्या होगा, ये होगा कॉन्वेक्स, क्या होगा, ये ऑल एंगल्स लेस देन 180, तो ये होगा आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। और अगर उसमें कोई एक एंगल क्या है, 180 से ज़्यादा है, तो आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कॉनकेव, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉलीगॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। इसे हम पॉलीगॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हम पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो पॉलीगॉन कोई भी एक ऐसा शेप जो क्या हो, थ्री या थ्री से ज़्यादा साइड्स, थ्री और मोर साइड्स, ठीक है, थ्री और मोर साइड्स अगर बना हो तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्री और मोर साइड्स और क्या हो, क्लोज्ड, क्या हो, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल अगर पॉलीगॉन्स के लिए, तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया,
ट्रायंगल एक क्या है आपका, पॉलीगॉन है। दूसरा आपका एक ये हो गया, ये भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है। तीसरा आपका ये हो गया, ये भी देखो इसमें क्या है, पांच साइड है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है। अब हम एक और ले लेते हैं छठा, ये ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, एक पॉलीगॉन है। इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, पॉलीगॉन कहलाएंगे, ठीक। अब अगर ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें ये सारी साइड क्या हो, इक्वल हो, और सारे एंगल भी क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे पॉलीगॉन को कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा आपका, एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड्स। ये भी एक पॉलीगॉन है, इसकी चारों साइड बराबर और इसके चारों एंगल बराबर, तो ये भी क्या हुआ, एक रेगुलर पॉलीगॉन हुआ, ठीक है। ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, यानी स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। उसी तरीके से ये पेंटागन है और इसके सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल, तो ये भी क्या हो गए, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। ये हो गया पेंटागन, क्या हो गया, ये पांच साइड है तो पेंटागन और छः है तो हेक्सागन, छः है तो क्या कहलाएगा, हेक्सागन। और उसके बाद अगर सात है तो उसके नाम थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे, सेवन को कहते हैं हेप्टा, क्या कहते हैं, हेप्टागन, ठीक है। अगर एट है तो क्या होगा, एट को कहेंगे ऑक्टागन, क्या कहेंगे, एट है तो ऑक्टा। नाइन है तो नोना, क्या कहेंगे, नोनागन, ठीक है। और अगर टेन है तो डेकागन, टेन को क्या कहते हैं, डेका, ठीक है, टेन को क्या कहते हैं, डेकागन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पॉलीगॉन्स के बारे में, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से पॉलीगॉन्स होंगे, और रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारे साइड्स इक्वल हो, तीन हो तो तीनों इक्वल हो, चार हो तो चारों इक्वल हो, पाँच हो तो पाँचों, छः हो तो छः के छः, सारे के सारे इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, तो ऐसा पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। और अगर ऐसा ना हो तो उसे इरेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे आप आ जाते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन देखते हैं कैसा होता है, तो इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जैसे मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो इसमें सारे एंगल तो बराबर है पर सारी साइड्स बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया, क्या हो गया, ये इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। मैंने बना दिया एक, चलो ऑब्ट्यूज एंगल या फिर चलो कोई ऐसा एक मैंने ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ना कोई एंगल बराबर ना कोई साइड बराबर, तो ये क्या है, एक इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया, क्या हो गया, ये इरेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहेंगे हम, इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। अब आ जाते हैं पॉलीगॉन्स की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी बात करते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन्स की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन्स, ये जानने के पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक और बात कर देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये जो इसके अंदर एंगल है इसे क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, इसे क्या कहते हैं, इंटीरियर। अगर इस लाइन को ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर लिया जाए, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड, तो ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ऐसे अगर हम हर तरफ एक्सटेंड करें तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, है ना, और ये वाला क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम इंटीरियर एंगल को, चलो हम क्या नाम है, ए बी सी नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी, और एक्सटीरियर एंगल को एक्स वाई और जेड नाम दे दें, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको पहले से आप जो है पढ़े होंगे क्लास में कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर हम एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। अब आ जाते हैं एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अगर निकालेंगे तो ये सारे के सारे इन एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180, कितना होता है, सॉरी 360। कोई भी शेप हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी शेप हो, तो सबके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 ही होगा, पर इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, हमेशा अलग अलग होगा। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और देखेंगे। अब आ जाते हैं, ये तो था ट्रायंगल, अब आ जाते हैं हम एक शेप जो है बना लेते हैं, कौन सा,
बना लेते हैं कोई दूसरा। चलो हमने बना दिया एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक। अब अगर इसके सारे इंटीरियर एंगल की बात करें तो सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इसका होता है 360। पढ़े हो इसको, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू कितना होता है 360। और अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब अगर जो है इस तरीके से हम लोग इसको बात करें, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो भी क्या होगा, वो भी 360 होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो भी कितना होगा 360 होगा, ठीक है। यानी कि इससे एक बात क्लियर है कि इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो बदलेगा पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा सेम रहने वाला है, चाहे जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कभी बदलने वाला नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और बातें करते हैं लोग, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल टू होता है एन माइनस टू इंटू 180। कितना होता है एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, फॉर्मूला है एन माइनस टू वन इंटू 180, जहां एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स, एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स। अब जरा इससे निकालते हैं किसी भी, चलो मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल का निकालते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होंगे, चार, ठीक है। तो एन इक्वल टू आ गया चार। सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 - 2 × 180, ठीक है। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 - 2 × 180 तो कितना हो जाएगा 2 × 180, और ये आ गया आपका 360। यानी इस तरीके से आप जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल सम हमेशा कितना होगा 360 ही होगा। अब आ जाते हैं दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। एक अगर हम मान लो ऐसे ही पता करना चाहें कि कोई क्वाड्रिलेटरल का हमको एक्सटीरियर एंगल पता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का हमको एक्सटीरियर एंगल पता है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हमको एक्सटीरियर एंगल पता है। लेट्स से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू दिया है 60, इक्वल टू दिया है 60, और हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या नाम है कितने साइड्स होंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया 360, एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 इक्वल टू कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया 6, समझ में आया। यानी अगर हम क्या करना चाहें, नंबर ऑफ साइड निकालना चाहें, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो एक फार्मूला ये निकल के आ गया, ठीक है, क्या फार्मूला निकल के आया, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर एक्सटीरियर एंगल किसी को जो है किसी भी पॉलीगॉन का पता है तो हम उससे उसके नंबर ऑफ साइड्स को निकाल सकते हैं। इससे एक और बात निकल के आ जाएगी, एक्सटीरियर एंगल, अगर हमको इससे एक्सटीरियर एंगल निकालना रहे तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होगा, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की बात करनी हो तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होगा 360 अपॉन एन, जहां एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स, एन क्या है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर हमको जो है एक्सटीरियर एंगल पता है तो हम उसका नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड जो है निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड पता है तो हम क्या कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल उसका निकाल सकते हैं, ठीक है, आए समझ में। अब आ जाते हैं एक और बात करते हैं, कोई भी अगर मान लेते हैं, चलो ये क्वाड्रिलेटरल है और ये क्या है पेंटागन है, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे तिरछा मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है, डायगोनल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और अगर इस तरीके से हम डायगोनल इसमें ढूंढने जाएं तो इसमें तो दो डायगोनल मिल गया, अब इसमें कितने डायगोनल होंगे ये हमको पता करना है, ठीक है। एक डायगोनल ये हो गया, फिर एक डायगोनल ये हो गया,
फिर एक डायगनल ये हो गया, फिर एक डायगनल ये हो गया, और एक डायगनल ये हो गया। इस तरीके से इसमें इतने सारे डायगनल। अब अगर इसको हमको गिनना है इसको, तो नंबर ऑफ डायगनल का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ डायगनल इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। क्या होता है फॉर्मूला? एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, जहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब जरा इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करते हैं, ठीक है? जब एन इक्वल टू फोर हो तो चेक करते हैं। एन इक्वल टू फोर के लिए चेक करेंगे तो डायगनल, नंबर ऑफ डायगनल कितना आएगा? ये आएगा आपका एन इंटू एन माइनस थ्री, यानी फोर इंटू फोर माइनस थ्री अपॉन टू, टू टू जब फोर, और कितना हो गया? फोर माइनस थ्री यानी टू इंटू वन, आ गया टू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ डायगनल भी निकाल सकते हैं, ठीक है? कुछ और फॉर्मूले देख लो इसके। अगर कोई भी आपका कोई भी पॉलीगॉन है इस तरीके से, कोई भी पॉलीगॉन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में भी रिलेशन होता है, ठीक है? वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू आपका होता है 180 माइनस इंटीरियर एंगल। क्या होता है? 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 माइनस एक्सटीरियर, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? फार्मूला। समझ में आ गया? इतने फार्मूले पे सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक ना? छाप लो इसको।